बनाऊंगी जिसे मैंने चूड़ी से बनाया है। चलिए हम इसको बनाते हैं। ग्रीन कलर का ऊन ली हूँ मैं, इसको इसमें गांठ बांध लेंगे। गांठ बांधने के बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया का बुनाई करेंगे। देख रहे हैं सिंगल क्रोशिया का बुनाई हम 44 बार करेंगे। इस तरह से करते जाएंगे। हम यहाँ पे धागे को कट करके पिंक कलर के धागे से बनाएंगे। यहाँ पे हमने 43 बार कर लिया है। अभी 44 लास्ट राउंड है। 44 तक करने के बाद हमें किस धागे में डाल के क्रोशिया जैसे इसको निकालेंगे, इसको बुनाई को बंद कर देंगे। ये हमारा क्रीम कलर का 1 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्रीम कलर के धागे से बुनाई कैसे करते हैं, एक चैन लेंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया की बुनाई नीचे डाल के डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे एक बार। फिर हम यहाँ पे 10 चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद फिर से हम सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। यहाँ पे हम 11 बार डबल क्रोशिया बुनाई बनाएंगे। ये हमारी छोटी साइज की चूड़ी है। अगर आप लोग बड़ी चूड़ी लेंगे तो उसमें और ज़्यादा बुनाई करना पड़ेगा। ग्यारह बार डबल क्रोशिया बुनाई करने के बाद हम फिर से 10 चैन बनाएंगे। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया बुनाई 11 बार करेंगे। से हमारा डिजाइन बनेगा। ये देखिए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे अपना। इस तरह से हमने 3 बनाया है। हम इसको अब ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं।
बनाएंगे। यहाँ पे मैं अपने उंगली की सहायता से लटकन बना रही हूँ। यहाँ मैं 25 राउंड लगाऊंगी। मैं गुलाबी धागे से बांधूंगी 5 राउंड। नीचे का हिस्सा काट लेंगे। देखिए हम लटकन बना लिए हैं। ऐसा हमें 15 लटकन बनाना है। लटकन बनाने के लिए हमने एक टैप यूज किया है और 3 गोल्डन मोती। बनाने के लिए मैं ग्रीन कलर का ऊन 1 मीटर लंबाई नाप के लिए हूँ। देखिए मेरा 1 मीटर है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 5 धागा एक तरफ किया है और 5 एक बीच में 6 धागे हैं। इसको मैं चोटी बनाऊंगी। मैं पतली पतली चोटी बना रही हूँ। ऐसी मैं 3 चोटी बनाऊंगी, 2 ग्रीन कलर की, 1 गुलाबी कलर की। यहाँ पे मैंने 3 चोटी बना लिया है। देखिए अब मैं इसको सुई और धागे से 3 को एक साथ जॉइंट कर दूंगी। इस तरह से हम एक जॉइंट करेंगे, फिर ये वाला भी जॉइंट। यहाँ पे मैंने 3 चोटी को एक साथ जॉइंट कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैं सुई धागे से ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से इसको भी यहाँ पे मैं एक लटकन लगा दूंगी। ऐसे ही पूरा तोरण कंप्लीट कर लेंगे हम।